केमिस्ट्री पांडा वेलकम्स टू यू। गुड मॉर्निंग क्लास। तो आज हम क्लास स्टार्ट करबा ऑर्गेनिक रो चैप्टर ऑर्गेनिक पोर्शन का आज हम स्टार्ट करू छे। तो ऑर्गेनिक रो पिला हम कोई छे वेरी इंपोर्टेंट ऑर्गेनिक तुम पे होबो। ऑर्गेनिक रो वेटेज भी कहू दिले पिला 33 मार्क रो टोटल। माने देखो आधा पोर्शन आधा वेटेज कैरी करछ ऑर्गेनिक। तो सही बाबा केते इंपोर्टेंट तुम मानो पे 33 मार्क 70 रो 33 मार्क ऑर्गेनिक करियो। तो फर्स्ट चैप्टर होची पिला हेलो अल्केन एंड हेलो आयंस। पूरा इजी चैप्टर पिला पूरा मने भी रख पाइबो आराम से सुनो। फर्स्ट होची पिला हेलो अल्केन एंड हेलो आयंस। हेलो अल्केन रो माने कोन? हेलो माने पिला होची कोन? ए जो हेलो लिखाई छी पिला हेलो माने होची पिला ग्रुप 17 एनिमल। पिला ग्रुप 17 एलिमेंट माने के के जेमते की फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन ए माने होचो पिला ग्रुप 17 एलिमेंट। अल्केन माने तुम जानछो नॉर्मल हाइड पिला नॉर्मल क्लासिफिकेशन भी तुम करे तो छी। देखो हम पाकर पिला जो हाइड्रोकार्बन अछि भले से बुझा पूरा हम स्टार्टिंग रो कहू छी। जो माने भवनी 11 रे किछ ऑर्गेनिक पढ़ी ना भवनी सेमती किछ नाही आराम से बेसिक रो बुझो और 11 रो किछ दरकार नै। तो हाइड्रोकार्बन को पिला ब्रॉड हमें मुए की क्लासिफिकेशन कर छी टू टाइप्स। हाइड्रोकार्बन को टू टाइप्स से क्लासिफिकेशन करे पिला फर्स्ट गोटा हो छी मु कहली एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन आ गोटा पुरा नहीं जाउ छी एरोमेटिक। पुरा जति की दरकार मु सुनि कहली एरोमेटिक एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। एलिफेटिक को पिला हमें फर्दर क्लासिफाई करले टू टाइप्स। गोटे ना पिला सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन आ गोटे पिला ला अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। पिला सैचुरेटेड माने कार्बन कार्बन भीतर जदि सिंगल बॉन्ड थिबो कार्बन कार्बन भीतर जदि पिला सिंगल बॉन्ड थिबो ताको हमें कहवा सैचुरेटेड कंपाउंड सिंगल बॉन्ड थिला। अनसैचुरेटेड होची कोन? कार्बन कार्बन भीतर पिला डबल बॉन्ड है पर और कार्बन कार्बन भीतर पिला ट्रिपल बॉन्ड है। यदि कार्बन कार्बन भीतर रे सिंगल बॉन्ड थिबो पिला से जो ताको सैचुरेटेड त कहबी ताको पिला मु अल्केन बोली कहबी। अल्केन का माने सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन रो ही एग्जांपल होची अल्केन। अनसैचुरेटेड यदि कार्बन कार्बन पिला भीतर डबल बॉन्ड थाए ताको मु अल्किन कहे। यदि ट्रिपल बॉन्ड थी पता कर दी अल्काइल। तो पहले जो दिमाग अल्केन का जनरल फॉर्मूला बता रही हूँ। जनरल फॉर्मूला अल्केन का पहले CnH2n plus two ये हो चाहे अल्केन। अल्किन का बता रही हूँ जो दिमाग पहले CnH2n ये हो चाहे अल्किन। अल्काइल ना हो जो पहले CnH2n minus two ये हो चाहे अल्काइल। तो ये होची फर्स्ट पिला जान लो हमें जो पढ़ीबा हाइलो अल्केन पढ़ीबा हाइलो अल्केन ता माने ए ए विषय पे ता पर पिला एरोमेटिक अछि। एरोमेटिक कोन पिला एरोमेटिक होची कोन जे होई छो ओबे पिला जे ओबे करबा ओके सुन होची कोन ना 4n plus 2 pi इलेक्ट्रॉन को जे फॉलो करे पिला ताको कहते होके सु 4n plus 2 pi इलेक्ट्रॉन माने देखो पिला जेमति को मनेली बेंजीन ने पिला माने रखो जेके सब सिंगल बॉन्ड देखो सेथरे गोटे सिग्मा थाए आउ गोटे सिग्मा सिंगल बॉन्ड माने गोटे सिग्मा एडी भी कहि छु तमको मु पूरा पिला बेसिक रूप ला जाउ छी भलो से बुझिनि चलो। कार्बन कार्बन भीतर जदि पिला सिंगल बॉन्ड थाए ता माने जानिबो गोटे सिग्मा। जदि कार्बन कार्बन भीतर डबल बॉन्ड थाए पिला गोटे सिग्मा आ गोटे पाई। जदि कार्बन कार्बन भीतर पिला ट्रिपल बॉन्ड थिबो जानिबो पिला गोटे सिग्मा जी रेस्ट आ तो पाई ता माने दीटा पाई ता माने देखो सिग्मा बॉन्ड होची ए देखो एडी पिला मुका की केतेटा पाई इलेक्ट्रॉन अछि। देखो गोई केतेटा पाई बॉन्ड अछि तीनटा पाई बॉन्ड पिला गोटे बॉन्ड रे केतेटा इलेक्ट्रॉन दीटा गोटे बॉन्ड माने दीटा पाई इलेक्ट्रॉन
তাহলে তিনটা পাই বন্ডে কত নাই ইলেকট্রন তাহলে 6 পাই ইলেকট্রন এটা দেখো এন জায়গায় পিলা 1 পুট করি দেখো এন জায়গায় পিলা 1 পুট করো 4 ইনটু 1 প্লাস 2 কত হলো 6 6 পাই ইলেকট্রন তার মানে যদি 6 পাই ইলেকট্রন হচ্ছে তার মানে এই হকেল সূত্র কো ফলো করছি যদি 7 হবে 7 হলে হবে পিলা কারণ দেখো এই 2 পুট করো 2 পুট করে কত হলো 8 প্লাস 2 তার মানে 6 হলো 10 হলো এই ভাবে সব যোগান আসবে সে মানে তোমার হকেল সূত্র কো ফলো করবে তো আকো কোনকি অ্যারোমেটিক কম্পাউন্ড মানে সমস্তে হবে যে ওবে করে হকেল সূত্র কো তাকে আমি কো অ্যারোমেটিক কম্পাউন্ড তো ইয়ে ভি আমরা আকো কইবা আরিন যদি একবাইটা অ্যালিন বলি মেটাই কম তাহলে হ্যালো অ্যালকেন হ্যালো অ্যালিন কোন ক্লাস থেকে বুঝি ডেফিনেশন শুন হ্যালো অ্যালকেন হ্যালো অ্যালিন হিজ বড়া না যদি মিলা মো পাখরে অ্যালকেন রে অ্যালকেন রে ও পাখরে আছে বলা অ্যালকেন বলছ অ্যালকেন জো রইলা অ্যালকেন নো মু কম করিবি না যদি গটে হাইড্রোজেন কাড়ি দেবি অ্যালকেন নো গটে হাইড্রোজেন কাড়িবি आउ गोटे हैलोजन जदि जोड़ी गोटे हाइड्रोजन काढ़ी भी गोटे हैलोजन जोड़ी भी ता माने जोटा पाई भी प्लस है ना वे भी हैलो अल्केन हैलो अल्केन मतलब देखो एग्जांपल जमिति मोर अल्केन वाला सपोज मोर पाने गोटे अछि CH4 CH4 रो नाम होछि पिला मिथेन CH4 रो गोटे हाइड्रोजन काढ़ी दबा आउ गोटे हैलोजन ते जोड़ी दबा तो हैलोजन का पिला को CH जोड़ दे ताले कोन हो गेला CH3Cl जो मिला CH3Cl हला एटा तमरो अल्केन बोली कहू आको मु हैलो अल्केन देबे ता माने वन हाइड्रोजन इज रिप्लेस्ड बाय वन तो कहबे वन हैलोजन इज रिप्लेस्ड बाय हाइड्रोजन तो देखो इ गोटे हैलोजन को हमें रिप्लेस करेबा हाइड्रोजन हाइड्रोजन काढ़ीबा और हैलोजन ते जोड़ीबा तो हैलो आरिन प्लस एम देओ हैलो आरिन को हम नाम काय आरिन माने बेंजीन अछि देखो मोबाइल बेंजीन रहला मतलब बेंजीन को हम अल्टरनेट पोजीशन डबल बॉन्ड दो नले गोटे हमें जान छे कना एटा देखिबा जहां बिना मु कम करबी ना अल्टरनेट पोजीशन में एक डबल बॉन्ड देखि मु एटू एटू स्टार्ट कर एटू धरे एटू धरे एटू ये तार अपोजिट तो ये जहां ये से आला तो सेति पे हमें अराउंड नेचुरेटिंग हाइब्रिड स्ट्रक्चर करू डबल बॉन्ड का पिला सब हो छै सेमे हमरा गोल दो बड़ा बॉन्ड तो छोटो बॉन्ड लो किछ मीनिंग न थाय बड़ा बॉन्ड लो मीनिंग हो छै कोन ना अल्टरनेट पोजीशन डबल बॉन्ड अछि तो एटी हम काम करबा ना बेंजीन अछि सेम काम करबा पिला बेंजीन नु काम करबा ना गोटे हाइड्रोजन काढ़िबी पिला एटी सब हाइड्रोजन अछि पिला कार्बन नो वैलेंस हो छै 4 ता माने सब केस रे कार्बन 4 टा बॉन्ड करथो गोटे हाइड्रोजन काढ़िबी आ गोटे दरकार सीएल ते जोड़िबी तो जो सीएल ता जोड़ी लेता रहला कोन देखो सी एली देखो हां एटा थिला पिला तमरा C6H6 थिला एबे गोटे हाइड्रोजन काढी छे अर्थ माने रहला कोन C6H5Cl ता माने एटा केमता स्ट्रक्चर हो बेंजीन रहला गोटे सीएल ते लागे कारण एई जो कार्बन पाखरे गोटे हाइड्रोजन काढी छे काढीबा पूर्व रूपिला एटे केतेटा ए कार्बन पाखरे केतेटा हाइड्रोजन थिला देखो ए कार्बन केतेटा बॉन्ड करी सरी छिको एक के दो तीनटा तीनटा बॉन्ड करी छी माने गोटे हाइड्रोजन अछि जो गोटे हाइड्रोजन को पिला मु रिप्लेस करे देली का सत सीएल से जोटा पाइले पिला कोही मु कहबी हैलो अल्किन बोल बुझेला हैलो अल्किन आ हैलो अल्किन नो डेफिनेशन ता कोन हम कहबा ना वे वन हैलोजन इज रिप्लेसिंग अल्किन कंपाउंड देन इज नोन एज हैलो अल्किन तो ए जो पिला में हैलो अल्किन आ हैलो अल्किन बोले बेसिकली पिला सुनो बहुत पिला मुझे किसी ऑर्गेनिक रे 11th रे किसी जान ना थांती मु सेति पाई टिके टिके स्टार्टिंग रु भी पहुंचि सुनो एक्चुअली हमें जो लेखु पिला ऑर्गेनिक कंपाउंड जो लेखिबा ताको हमें बेसिकली रिप्रेजेंट जो करू पिला रिप्रेजेंट हमें नॉर्मली तीनटा वेरे करतो कि हमें भी तुमको चारटा वेरे रिप्रेजेंटेशन करू छी पिला रिप्रेजेंटेशन करू छी चारटा वेरे मु तुमको रिप्रेजेंटेशन करी देखि फर्स्ट रिप्रेजेंटेशन होची तारा मॉलिक्यूलर फार्मूला फर्स्ट होची मॉलिक्यूलर फार्मूला सेकंड होची पिला एक्सपैंड फार्मूला एक्सपैंडेड एक्सपैंडेड फॉर्म अब अगर पिला होची कंडेंस स्ट्रक्चर बाय एक्सपैंडेड स्ट्रक्चर कह देखो एक्सपैंडेड स्ट्रक्चर
कंडेंस स्ट्रक्चर पे फिर लास्ट पे आउ छी बॉन्ड लाइन डायग्राम बा बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर प्ला वेरी इंपोर्टेंट ये ऑर्गेनिक कंपाउंड को बॉन्ड लाइन देखो सो बॉन्ड लाइन प्ला को पाके अच्छी फास्ट मु कम करबी ना मदर पॉलीमर फार्मूला प्ला मुनेली लेट एग्जांपल नो छी ब्यूटेन ब्यूटेन माने ब्यूट माने चारटा कार्बन अछि ब्यूटेन को छी सामने अल्केन बुलाय जो अल्केन लिखाई छ सुनो अल्केन पिला होची कार्बन कार्बन भीतर जतर पिला सिंगल बॉन्ड थाए हमे सति सफिक्स यूज करू पिला ए एन ई यदि डबल बॉन्ड दिबा हमे यूज करू ई एन ई ट्रिपल बॉन्ड थिले वाई एन ई यूज करू तो सफिक्स यूज करू तो जति पिला एठी अछि तब पखरे ए एन ई अछि अल्केन लिखाई छ अल्केन माने ए एन ई रिफर करूची कहां तुमको सिंगल बॉन्ड आल्क जो रिफर करूची प्ला हाउ मेनी कार्बन जदि मु कहली कोन ब्यूटेन ब्यूट माने चारटा कार्बन अछि अल्केन तो ब्यूटेन नो फार्मूला कोन हिजबो CnH2n+2 माने C4H4 × 2 + 2 ता माने 8 + 2 10 ताले ब्यूटेन सरकार मॉलिक्युलर फार्मूला को कोन लिखि पिला C4H केते लिखि पिला दैट इज ब्यूटेन तार अपना वो एक्सपांडेड स्ट्रक्चर करेंगे एक्सपांडेड स्ट्रक्चर माने स्ट्रक्चर को खाली एक्सपांड करेंगे देखो चारटा कार्बन अछि वो पर एक्सपांड करू એટલે वो पर चारटा कार्बन अछि हाइड्रोजन केते अछि 10टा એટલે गोटे हाइड्रोजन केतेटा बॉन्ड करि पर गोटे कार्बन सरी गोटे कार्बन चारटा बॉन्ड करे चारटा देखो फर्स्ट यदि गोटे करिला त हम तीनटा हाइड्रोजन रखेले ये कार्बन केतेटा करला ना तीनटा बॉन्ड ऑलरेडी करि छी त हम ना दुईटा करे ये कार्बन भी तीटा बॉन्ड कर छी त माने ये कार्बन देखो गोटिए बॉन्ड से कर छी प्ले इट अपॉन द एक्सपांडेड स्ट्रक्चर एबे जका कंडेंस कंडेंस माने हमें जाकी द स्ट्रक्चर देखो त माने एही केतरा कार्बन अछि पिला ए कार्बन पर केतरा अछि हाइड्रोजन फर्स्ट कार्बन पर तीनटा देखो मोले कि सी एच 3 लेट पर ता पर पखले CH2 बॉन्ड रे CH2 तापर पक्का भी मगरे CH2 तापर अपना CS बस इडा मिला पे भी कोऑर्डिनेट स्ट्रक्चर बॉन्ड लाइन होची कोन ना हमें कोठी भी कार्बन हाइड्रोजन को मेंशन करबानी खाली गारो देखि हमें जे बुझि पाजे इडा होची ब्यूटेन बॉन्ड देखो केमिदी करबो ना सपोज म पाखे रहछि चारटा कार्बन देखो चारटा कार्बन 1 2 3 4 आगो बोलस देखो 1 कार्बन 2 इडा किछि लिखा है माने 2 3 इडा 3 4 देखो 1 2 3 4 सब पॉइंट हमको मेंशन करे प्लस एक गोटा कार्बन अछि अब हमें बुझी जे बाजे ए कार्बन गोटिए बॉन्ड करै छी गोटिए बॉन्ड करै छी माने तीनटा हाइड्रोजन जे मिलै छै तबरे ए कार्बन दीटा ऑलरेडी दीटा कार्बन बॉन्ड करै छी त माने दीटा हाइड्रोजन अछि नॉर्मल लिखी रहो छी किंतु एक्चुअली स्ट्रक्चर त लिखा हुए नै मु कहि दो तब देखो ए त माने एते दीटा हाइड्रोजन अछि एते कार्बन अछि सब तीनटा ए कार्बन तीनटा हाइड्रोजन छै लाइक छै ए कार्बन से तो दीटा एडी भी दीटा एडी पिला प्ला इधर कौन थी कौन बॉन्ड लाइन डायग्राम तो एग्जाम में कि मैक्सिमम केस है ऑर्गेनिक में प्ला हमें एडी तो धरी की जीवन एडा एडा का बन लाइन और इधर बेसिक लाइन है कुछ तो एडा एडा हम धरी की जीवन तो एक ही बुझ जा बॉन्ड लाइन कौन ना पॉइंट सब पॉइंट हमें तो मेंशन करो वो लोग क्या तो ये थी लगता था हमारा स्ट्रक्चर तो ये पे हमें पढ़ना एबे आगोडे कांसेप्ट कोस तुमको इलेमेन करबे मु आज जे बेसिक कोस तुमको आवर प्ला हमें पढ़ना डिग्री ऑफ कार्बन पे इला डिग्री ऑफ कार्बन कहले मु ए बुझि कार्बन न मतलब डिग्री दरकार डिग्री केते बात करियो कारण कार्बन न इला जो कार्बन रो भसे सुनो जो कार्बन रो मु डिग्री कैलकुलेशन करबा को चाहु छी से कार्बन डायरेक्टली केतना कार्बन से लागि जे दैट इज द डिग्री माने इला बेसिक सम याको डिग्री हिसाब रे हम पकरे हमें फर्स्ट यदि गोटे हो छी 1 डिग्री गोटे 2 डिग्री थाय गोटे 3 डिग्री 4 डिग्री भी कार्बन ही करियो 1 डिग्री 1 डिग्री कार्बन को इले हमें कहू प्राइमरी 2 डिग्री को सेकेंडरी
ରିଡିଙ୍ଗ କୁ ଟର୍ସିଆରି କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି କୁ କ୍ୱାର୍ଟର୍ନାଲି ଆମେ କ୍ୱାର୍ଟର୍ନାଲି ବୋଲି କହିଲା। ତା ମାନେ ମୁଁ କହିଲି କ'ଣ ଡିଗ୍ରୀ ଅଫ୍ କାର୍ବନ କେମିତି ଜାଣିବ ନା, ଗୋଟେ କମ୍ପାଉଣ୍ଡରେ ଯଦି ତମେ ଯାହାର ଯେକୌଣସି କାର୍ବନର ଡିଗ୍ରୀ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ଯଦି ସେ କାର୍ବନ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଗୋଟେ କାର୍ବନ ସହିତ ଲାଗିଛି, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ୱାନ୍ ତ ପ୍ରାଇମେରୀ ତାକୁ ମାନେ କ'ଣ ନା। ଦେଖ ସପୋଜ ତମେ କାଲକୁଲେଟ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁ, ଧର ମୋ ପାଖରେ ଅଛି CH3 CH2 CH2 ମୁଁ କାଲକୁଲେଟ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ସପୋଜ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଏଇ କାର୍ବନ ଡିଗ୍ରୀ କାଲକୁଲେସନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଏଇ କାର୍ବନ ଡିଗ୍ରୀ କାଲକୁଲେସନ କରିବି। ଏ କାର୍ବନ ଦେଖ, ଏ କାର୍ବନ ଡାଇରେକ୍ଟଲି କେତେଟା କାର୍ବନ ସହିତ ଆଟାଚ ଅଛି, ଏ କାର୍ବନ ଶୁଣ, ଏ କାର୍ବନ ଡାଇରେକ୍ଟଲି, ଏ କାର୍ବନ ନ ମୁଁ ଡିଗ୍ରୀ କାଲକୁଲେସନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଏ କାର୍ବନ ଡାଇରେକ୍ଟଲି କେତେଟା କାର୍ବନ ସହିତ ଆଟାଚ ଅଛି, ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଗୋଟେ ସହିତ ଆଟାଚ ଅଛି, ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଏଇ କାର୍ବନ ସହିତ ଆଟାଚ ଅଛି, ଏ କାର୍ବନ ଆଉ ଜଣ ସହିତ ଆଟାଚ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏ କାର୍ବନଟା ଏ କାର୍ବନ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ପିଲା କେବଳ ଆ ସହିତ ଆଟାଚ ଅଛି, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଏ କାର୍ବନ ମୁଁ କହିବି ୱାନ୍ ଡିଗ୍ରୀ, ଏ କାର୍ବନଟା ତମର ହେଇଯିବ ୱାନ୍ ଡିଗ୍ରୀ କାର୍ବନ, ବୁଝିହେଲା। କାହିଁକି ନା ପିଲା ଯାହା ଯୋଉ କାର୍ବନର ମୁଁ ଡିଗ୍ରୀ କାଲକୁଲେଟ୍ କରିବି, ମୁଁ ଦେଖିବି ସେ କାର୍ବନ ଡାଇରେକ୍ଟଲି କେତେଟା କାର୍ବନ ସହିତ ଆଟାଚ ଅଛି, ସେ କାର୍ବନ ଗୋଟିଏ କାର୍ବନ ସହିତ ଆଟାଚ ଅଛି, ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ୱାନ୍ ଡିଗ୍ରୀ। ସେମିତି ପିଲା ଟୁ ଡିଗ୍ରୀ କ'ଣ ହବ ନା, ଦେଖ ଏଇ ଗୁଡ଼ାକ ବି ଟୁ ଡିଗ୍ରୀ ହବ, ଏଇଠି ସପୋଜ ମୋ ପାଖରେ ଅଛି, ସପୋଜ ପିଲା ମୁଁ ଏ କାର୍ବନର ଡିଗ୍ରୀ କାଲକୁଲେସନ କରିବି, ଏଇ କାର୍ବନ ଦେଖ, ଏ କାର୍ବନ ଡାଇରେକ୍ଟଲି କେତେଟା କାର୍ବନ ସହିତ ଆଟାଚ ଅଛି, ଏ କାର୍ବନ ପିଲା ଏଇଟା ଏ କାର୍ବନ ସହିତ ଆଟାଚ ଅଛି, ଏ କାର୍ବନ ସହିତ ଆଟାଚ ଅଛି, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଟୁ ଡିଗ୍ରୀ କାର୍ବନ ବା ଆକୁ କହିବା ସେକେଣ୍ଡାରୀ କାର୍ବନ। ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖ, ସପୋଜ ମୋ ପାଖରେ ଅଛି ସପୋଜ ଏଇ କାର୍ବନ, ଏ କାର୍ବନ ଡିଗ୍ରୀ କାଲକୁଲେସନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ତାମାନେ ଏ କାର୍ବନ ଏଇ କାର୍ବନ ଡାଇରେକ୍ଟଲି କେତେଟା କାର୍ବନ ସହିତ ଆଟାଚ ଅଛି ପିଲା, ଆ ସହିତ ଅଛି, ଆ ସହିତ ଅଛି, ଆ ସହିତ ଅଛି, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ 3 ଡିଗ୍ରୀ କାର୍ବନ, ତା ମାନେ ଏଇ କାର୍ବନ ଆମେ କହିବା ଟର୍ସିଆରି କାର୍ବନ। କ୍ୱାର୍ଟର୍ନାରି ପିଲା ଦେଖ, କ୍ୱାର୍ଟର୍ନାରି ଦେଇ ପାରିବ, କ୍ୱାର୍ଟର୍ନାରି ଯେମିତି ଦେଇ ପାରିବ CH3 ସପୋଜ ସପୋଜ ପିଲା ମୁଁ ଏଇ କାର୍ବନ ଡିଗ୍ରୀ କାଲକୁଲେସନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଏଇ କାର୍ବନ ତାହେଲେ ଏ କାର୍ବନ ଡାଇରେକ୍ଟଲି କେତେଟା କାର୍ବନ ସହିତ ଆଟାଚ ଅଛି, ଚାରିଟା, ତ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ଡିଗ୍ରୀ ଅଫ୍ କାର୍ବନ, ମାନେ ଏ କାର୍ବନ ଡିଗ୍ରୀ ହେଉଛି ପିଲା 4 ଡିଗ୍ରୀ, ତ ଇଏ ହେଉଛି ପିଲା ଡିଗ୍ରୀ ଅଫ୍ କାର୍ବନ ପିଲା। ତାହେଲେ ଏତିକିକୁ ନୋଟ୍ କର, ଆମେ ନେକ୍ସଟ୍ କରିବୁ।